बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहीम और कुक विद अबू में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ गोभी मंचूरी। वो भी एकदम आसान रेसिपी है, हर कोई इसे आसानी से अपने घर में बना सकता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है और ये कैसे बनता है। तो हमने एक छोटे साइज़ वाला फ्लावर लिया है, उसको इस तरह से छील लिया है और एक बार बस अच्छे गर्म पानी में हमने इसको धो लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे नमक थोड़ा सा, अरे ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा, 1/2 टीस्पून आगे इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कॉर्नफ्लोर है कचोर का आटा, ये जाएगा इसमें लगभग 2 और 3, तो 3 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ मैदा, मैदे का आटा। तो इन तमाम को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। मैं आटे का बैटर बना के उसमें इसमें नहीं डाल रहा हूँ और ना मैंने इसको बॉईल किया है, क्योंकि बॉईल करेंगे तो ये पक जाएगा और फिर इसको बाद में भी पकाएंगे तो ये ज़्यादा पक जाएगा, तो इससे इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये अच्छी तरह से तमाम फ्लावर में जो है मिल जाए, बस इतना सा हमें पानी डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, तो इसको रखते हैं 10 मिनट तक साइड में, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। कढ़ाई हमने रख दिया है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाह, चूँकि ये डीप फ्राई होना है, डीप फ्राई के लिए आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से तेल डाल लें और इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो ये जो हमने 10 मिनट से पिछले मसाला वगैरह सब लगा के रखा था, तो इसको इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह, तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे हम इसको डालेंगे तो हमें चम्मच बिल्कुल इसमें हिलाना नहीं है जब तक कि ये खुद से ऊपर ना आ जाए, और इसको तब तक पकाना है कि जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो अब देख सकते हैं माशाल्लाह ये धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो चुका है, तो इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। तो जैसे ही इसे 2-3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो आंच को जो है हम हाई करेंगे, बड़ा करेंगे, और इसको क्रिस्पी होने तक हम हाई फ्लेम पे अभी पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई फ्लेम पे पिछले 5 मिनट से हमने इसको फ्राई किया है, तो देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम क्रिस्पी बन चुका है। तो फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है, तो चलिए इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हमने बनाना था कढ़ाई हमने रख दी है, तो इसमें तेल को शामिल करेंगे, जो फ्राई किया था वही तेल हम इसमें डालेंगे लगभग इतना सा। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, लगभग मैंने 20 कलियां को बारीक काट लिया है, तो इसको डालेंगे बिस्मिल्लाह, और साथ ही में डालेंगे 1 इंच अदरक मैंने बारीक काट लिया है, और मिर्ची मैंने 2 बड़े मिर्ची काट लिए हैं, थोड़े से मैं आगे गार्निशिंग के लिए रखूँगा बचा के, इसको भी इसमें डाल लेते हैं, और एक कांदे को मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया एकदम, तो इसको भी इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह, तो इसको अच्छी तरह फ्राई होने देते हैं। जैसे ही प्याज हल्का सा कलर बदलने लगे तो हम इसमें शामिल करेंगे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, ये शिमला मिर्च है, इसको बारीक कट कर लिया ये इसमें डालेंगे, और ये कांदे की सब्जी ये भी ऑप्शनल है, डालेंगे तो इसमें टेस्ट अच्छा आएगा, ये भी इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाह, और जो इसमें मसाले स्पाइसेस डालने वाला हूँ वो कुछ इस तरह हैं, ये ब्लैक पेपर जो हमने शुरू में इस्तेमाल किया था 1/2 टीस्पून बचा के रखा था ये इसमें जाएगा बिस्मिल्लाह, चाट मसाला 1 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून, रेड चिल्ली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, विनेगर 1 टीस्पून, टमाटो केचप 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जितना चीनी, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ज़्यादा नहीं क्योंकि शुरू में भी हमने नमक डाला था, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह क्या एक बेहतरीन और क्रिस्पी बनकर ही आया है, तो इसको इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाह,
और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो लीजिए माशाल्लाह ये पूरी तरह से पक चुका है, तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो प्लेट हमने ले ली है, इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका डिश आउट कर लिया है, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे बना है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह काफ़ी मज़े का बना हुआ है, जो क्रिस्पीनेस है अभी भी इसमें मौजूद है, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है बनाने के बाद में क्रिस्पीनेस चली जाती है। तो जाइए ज़रूर ट्राई कीजिए, माशाल्लाह सभी मसाले जो भी स्पाइसेस हैं एकदम इनकी मिकदार एकदम सही है, अगर आप चाहें तो तीखे में ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर जाए इस रेसिपी को अपने यहाँ ट्राई करें, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने रेसिपी बनाई तो किस तरह से बनी। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ नए रेसिपीज़ के साथ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखें, और जो भी फ्रेंड्स नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।